derivative. Of colors. क्या होता है of colors? Of colors किसी change को नापता है, change को नापता है, और चेंज कहीं पे चेंज हो रहा है. मैं छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया. अभी आपका ये बोर्ड खाली है, थोड़ी देर में भर जाएगा, चेंज हो रहा है. कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाए, नीचे गिरती है, उसके स्थान में परिवर्तन होता है. तो लगातार चेंज हो रहा है. कोई गाड़ी चलती है, एक स्थान से पहुंच जाती है किसी दूसरे स्थान पर, तो चेंज हो जाता है, उसके स्थान में परिवर्तन आ गया. छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, यहां से वहां, पृथ्वी भी लगातार घूम रही है. प्रकृति का नियम है, लगातार चेंज हो रहा है. आदमी बच्चा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है. और दुनिया में भी लगातार परिवर्तन आ रहे हैं, लगातार चेंज आ रहे हैं. तो चेंज को नापता है, ऐसा भी बोल सकते हैं इसे हम, और चेंज को बताने में हेल्प करता हमारी, ऐसा भी बोल सकते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करते हैं. मान लीजिए कोई कंकर को छोड़ा गया ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है. ये पेबल है, नीचे छोड़ा गया. जब हम किसी कंकर को छोड़ते हैं ऊपर से नीचे, तो लगी नहीं, इतने ही है ना. इसको थोड़ा सा ऊपर, छत के ऊपर से गिराएं किसी सिर पे, तो चोट लगेगी थोड़ी ज्यादा. 5 मंजिल ऊपर से गिराएं किसी के ऊपर, तो चोट लगेगी उससे भी ज्यादा. 10 मंजिल से या और ऊपर से गिराएं, तो एक कंकर भी इतनी चोट दे सकता है जितनी चोट से वो आदमी मर भी सकता है. तो ऐसा क्या हुआ, जब हम इसको पास से गिराया तो इसकी वेलोसिटी, इसका वेग कम, और दूर से आएगा तो वेग बढ़ जाएगा, और दूर से आएगा तो वेग बढ़ जाएगा, और जब बहुत ऊपर से गिरेगा तो वेग ज्यादा बढ़ जाएगा. तो वेग में भी लगातार परिवर्तन आ रहा है. यहां वेग तो जू था, शून्य था. यहां वेग कुछ होगा, यहां वेग कुछ और होगा, यहां वेग कुछ और होगा, यहां वेग. हर एक एक मीटर की दूरी पर, हर एक एक मीटर की दूरी पर वेग का मान भी अलग अलग आएगा. या हम कहें कि हर एक वेग मीन मालूम हमें, हम वेग को निकालना चाह रहे हैं और हमें दूरी पता हो जाती है, समय पता हो जाता है, तो भी हम निकाल सकते हैं वेग को. देखिए, हम एक टेबल बनाते हैं, इधर टी लेते हैं टाइम, और इधर लेते हैं हम दूरी, डिस्टेंस एस, ठीक है. वस्तु ने चलना प्रारंभ किया यहां से, टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दूरी, ठीक है. पहले सेकंड पे दूरी, पहले सेकंड पे वो 10 या 0 पे 0 थी, पहले सेकंड के बाद 10 किलोमीटर दूर चली गई. दूसरे सेकंड के बाद में वो 10 नहीं, 30 किलोमीटर दूर चली गई. फिर 30 सेकंड के बाद में 30 नहीं, और दूर से ले गई, ठीक है. मतलब वो इस तरह से चल रही है, ठीक है. पहले धीरे तेजी से निकल रही है. अब इस प्रकार से वस्तु का वेग भी लगातार परिवर्तन हो रहा है. एवरेज वेग नहीं, यहां वेग कुछ और था, यहां यू कुछ और था, वी, यहां वी कुछ और था, यहां वी कुछ और था, यहां वी कुछ और था, यहां वी कुछ और था. हम निकालते हैं, मान लीजिए यहां निकालते हैं इस स्थान पर, यहाँ वी क्या होगा. तो यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ यहाँ डिस्टेंस था, मान लीजिए ये डिस्टेंस था एस वन और टी वन पे, ठीक है. ये टी वन पे, फिर टी टू पे देखते हैं हम, ये टी टू है और टी टू पे इसका वेग डिस्टेंस था एस टू, ठीक है. T3 पे निकालते हैं
T3 पे इसका डिस्टेंस था S3, राइट। इसके बीच का वेग निकालते हैं, तो ये इसको निकाल लेते हैं, ये है T2 - T1, तो मान लेते हैं डेल्टा T है T2 - T1, छोटा सा अंतर देखिए, और ये S1 है, ये S2 है, डेल्टा S है S2 - S, तो वेग क्या होगा वहां पर, वेग वेलोसिटी होती है दूरी बटा समय, तो डेल्टा S बटे डेल्टा T, S2 - S1 बटे T2 - T1, एक सेकंड लगे, दो मैं ये घटाया था, एक सेकंड में इतनी दूर चला, यहां एक सेकंड में इतनी दूर चला, बी यहां निकालेंगे तो बी कुछ और आएगा, इस बी को कम से कम कर देना है, मिनिमाइज कर देना है। देखिए यहां देखते हैं क्या होता है, यहां निकालेंगे तो क्या होगा, वहां डेल्टा टी आएगा T3, ये T3 है ना, -T2, और डेल्टा एस आएगा S3 - S2, ज्यादा, ये इससे ज्यादा है ना, तो V क्या हो गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इस जगह इसको कम करना है हमें, इसे मिनिमाइज करना है, इसे और नजदीक लाना है, यहां ना, यहां इसे और नजदीक लाएं, इसे कम से कम लिमिट कम से कम करते जाए इसकी, हम बोलें कि डेल्टा टी को टेंस टू जीरो करना है, बिल्कुल जीरो के नजदीक आ जाएं हम, तो ऐसी पोजीशन जो आएगी वो यहां आएगी बिल्कुल, ठीक है, ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का ये थीटा कहलाता है, ये टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है या जो ये जो भी आएगा, ये इस जगह का एक एक्चुअल वेलोसिटी होगी, इस जगह की, इस स्थान की एक्चुअल वेलोसिटी, इस स्थान पे बिल्कुल एग्जैक्ट, जहां पर टी मिनिमम है एट मिनिमम है, कितना चला वो, हम बोले कि एक सेकंड में एक मिनट में कितना चला, तो हम उसको निकाल सकते हैं, एक मिनट में वो 150 किलोमीटर चला होगा, तो एक मिनट या 1.5 किलोमीटर चला होगा एक मिनट में, तो वो उसकी स्पीड क्या होगी, और उसे एक मिनट में भी नहीं निकालना हमें, तो बस जस्ट जहां इसकी स्पीड आनी है वहीं आनी है, जैसे हमने स्पीडोमीटर में देखा कि इस वक्त क्या गाड़ी की रफ्तार है, इस वक्त ये इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, बस वो रफ्तार चाहिए, तो इसको कम से कम कर दिया, डेल्टा टी को हमने मिनिमाइज कर दिया, तो डेल्टा टी को जो मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी को मिनिमाइज करते हैं, तो डेल्टा लिमिट लगानी पड़ेगी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये आपकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी भी एक एस के ऊपर, किसी भी एक एस के ऊपर, कहीं पर भी किसी भी एस के ऊपर, एस के ऊपर मान लीजिए टी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं t² + 2, ये इस वक्र के कोऑर्डिनेट्स हैं, वक्र किसी एक्स पे देख लिया हमने, तो सभी एक्स के लिए ये नियम सही है, सभी एक्स के लिए, हर एक्स जाएंगे t² + 2 भी आएगा, एक एक्स के लिए जो सही है उस सबके लिए सही है, यहाँ एक्स है, यहाँ पे टी का जो मान है वो t² + 2 को सेटिस्फाई करता है, टी वन है तो 1 + 1 = 2, यहाँ टी है या एक्स डबल हो गया, मतलब एक्स निकालना है तो t2 हुआ, तो 2 × 4 + 2 = 6, जैसे इसको थोड़ा सा और हम करें, एस टी वन है तो एस हो गया 3, टी टू है तो एस हो गया 6, टी थ्री है या 9 × 2 = 11, एस हो गया 11, लगातार बढ़ा, सेम अंतर नहीं है, तो ये कर्व के मान लेते कोऑर्डिनेट्स हैं, s = t² + 2, s = t² + 2, ये उसके उस कर्व के, वो जो कर्व था उस कर्व के कोऑर्डिनेट है, s = t² + 2, कहीं भी किसी भी एक्स के लिए सिद्ध होता है,
तो हमें सिर्फ टी पता होना चाहिए है उसका वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए। तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और लिमिट लगा देंगे टी टेंड्स टू जीरो। इसे प्रथम सिद्धांत से हम इसको हल करें। हाँ ये है, तो हमें इसे ज्ञात करना है टी को जीरो लाना है, इसको इसकी ज्ञात करना है। ये होता होता क्या वास्तव में? ये होता है आपका डी एस अपॉन डी टी, ये कहलाता है अवकलन। ये कोई रेशियो नहीं है, लिमिट लगी हो लिमिट हो। तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ऐसा बोले इसको हम शॉर्ट में याद हमें करना डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। करते हैं देखिए, आपका सवाल था एस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू, बहुत साइड दोनों में एक छोटा सा चांस जोड़ देते हैं, एस में जोड़ दिया डेल्टा एस और टी में भी जोड़ेंगे हम डेल्टा टी। ठीक है, तो इधर तो हो गया डेल्टा एस बराबर एस को चले जाते हैं टी स्क्वायर प्लस टू टी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस टू माइनस एस। एस कितना है अभी लिख लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस टू टी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस टी, टी स्क्वायर ये भी माइनस में जाएगा ना, माइनस माइनस टू, माइनस टू से प्लस टू कट गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया। तो डेल्टा एस बराबर हो गया, डेल्टा टी कॉमन ले लो, डेल्टा टी कॉमन लिया तो यहाँ बचा टू टी प्लस डेल्टा टी। फिर क्या हो गया, ये डेल्टा एस बटे डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, बराबर हो गया टू टी प्लस डेल्टा टी, राइट। अब लिमिट लगानी है इससे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट एस अपॉन लिमिट टी बराबर हो जाएगा टू टी डेल्टा टी, लिमिट लगाइए डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू टू टी। ये आपका वेग निकालने का, हमें टी मालूम हो तो वेग कहीं भी निकाल सकते हैं, हमें एस की जरूरत नहीं है। ये आपका वेग है, वेलोसिटी है। इस वाले एग्जाम्पल के लिए जो एग्जाम्पल हमने लिया, राइट, तो इस प्रकार से डेरिवेटिव करके भी हम निकाल सकते हैं। ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी निकालना, लिमिट लगानी है डेल्टा टी इक्वल जीरो, ये आपका होता है डेरिवेटिव। डिफ्रेंसिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो अभी हमने डिफ्रेंसिएशन निकाला था वो प्रथम सिद्धांत से ही था। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, x इक्वल टू ए रेस टू पावर n, कुछ एग्जांपल निकालते हैं, y इक्वल टू x रेस टू पावर n, तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये फाइंड करनी है या फिर जो बोलूं मैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है, राइट। करते हैं, इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ हम डेल्टा जोड़ लेते हैं, बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टू पावर एन डेल्टा वाई इक्वल टू, यस इसको खोलना है, एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स प्लस वाई एन क्या होगा, एक्स एन प्लस प्लस वन प्लस एन एक्स एन माइनस वन वाई, फिर होगा प्लस एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू या फैक्टोरियल वन एक्स एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस सो ऑन।
वैसे ही खुलेगा। y को उधर ले जाएंगे ना, y को उधर ले जाएंगे, इसको खोल देते हैं, x n प्लस n अपॉन फैक्टोरियल 1 x टेस्ट फॉर n माइनस 1 y, y की जगह डेल्टा x प्लस n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x n माइनस 2 डेल्टा x स्क्वायर प्लस कॉमन, ठीक है। और ये y इधर गया तो माइनस y, राइट। माइनस y कितना था, x टेस्ट टू पावर n, x टेस्ट टू पावर n हो जाएगा वहां, x टेस्ट टू पावर n प्लस n अपॉन फैक्टोरियल n 1 x टेस्ट टू पावर माइनस n माइनस 1 डेल्टा x प्लस n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x n माइनस 2 डेल्टा x स्क्वायर प्लस एस माइनस y की जगह पर x टेस्ट टू पावर n माइनस x टेस्ट टू पावर n माइनस x कट गया। अब हम लगाने, हम डेल्टा x कॉमन लेते हैं, ये डेल्टा y के बराबर था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हो जाएगा, डेल्टा x कॉमन लेके इधर देते हैं डिवाइड, बचेगा वह n x n माइनस 1, यहाँ तो ये चला गया उधर, प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 x टेस्ट टू पावर n माइनस 2 डेल्टा x प्लस कॉमन, उन सब में डेल्टा x होगा आगे जितने भी होंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट लगा दी, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो ये यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है, माइनस वन, और उधर सब में जीरो आएगा, तो क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्सेस फॉर एन माइनस वन। इस प्रकार से हम फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, वाई इक्वल्स टू डी एक्सेस टू फॉर एन है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स टू एन एक्सेस फॉर एन माइनस वन, ये आपका एक फॉर्मूला होगा। हम दूसरा निकालते हैं,